वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही नई वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इस बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू कैसे टाइप करें? बिल्कुल, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही में ये टाइपिंग की है और मैंने रोमन उर्दू में लिखा, जिसे गूगल उर्दू इनपुट की जो टूल्स हैं उसने जो है वो कन्वर्ट किया है इस तरह की उर्दू में। अब आपको मैं प्रूफ देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर आपने भी इस तरह के लिखना है तो इन पेज में लिखने से बेहतर है कि आप यहाँ भी लिखें, क्योंकि यहाँ पे जो रोमन उर्दू है उसमें हमारी सबकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान इंग्लिश में लिखा, जिंदाबाद, पाक फौज, जिंदाबाद। सो कैसा लगा आपको? देखें, ये जो है ये टाइपिंग अगर आप चाहें तो आप इन पेज में भी कर सकते हैं, मगर इन पेज में जो है टाइपिंग करने की एक तो रफ्तार बहुत कम होती है और फिर रोमन उर्दू में जो है ना टाइप करना और इसे कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और ये आप कर कैसे सकते हैं, इसके लिए आपको तीन चीज़ें जो है ना वो डाउनलोड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको गूगल उर्दू इनपुट टूल्स जो होगा वो डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। और फिर अगर आप यहाँ देखें, ये अलवी नस्तलीक, ये एक फॉन्ट है जो अभी ये वाला आपके सामने स्क्रीन पे यूज़ हुआ है, ये भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इसके अलावा ये दो चीज़ें डाउनलोड करने के बाद जो तीसरी चीज़ होगी, आपने अपने विंडोज़ में आना है और लैंग्वेज में जाके एक कीबोर्ड को ऐड करना पड़ेगा। लैंग्वेज सेट में जाएंगे और वहाँ पर आपको एक उर्दू का कीबोर्ड जो है वो ऐड करना पड़ेगा। उर्दू का कीबोर्ड जैसे ये मैंने ऐड किया हुआ है, देखें उर्दू पाकिस्तान, इसको अगर आप ऐड करना तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड प्रेफर लैंग्वेज पे जाएंगे, तो यहाँ से आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं उर्दू कर देता हूँ। उर्दू का देखें, उर्दू दो आ रही, पाकिस्तान और उर्दू भारत। अगर आप इंडिया में हैं और आप एमएस वर्ड में उर्दू में टाइप करना चाहते हैं तो आप उर्दू भारत करें और पाकिस्तान वाले उर्दू पाकिस्तान करें, और उसके बाद आपने जो है जस्ट सिंपल लैंग्वेज को आपने स्विच करना होगा। और लैंग्वेज को जो स्विच करने का तरीका है वो आप लोगों ने विंडोज़ का बटन दबाए, विंडोज़ का दबाए दबाए आप लोगों ने स्पेस बार का बटन दबाना है। तो जैसे दबाएंगे विंडोज़ प्लस स्पेस बार, तो उससे क्या होगा कि उससे आपकी इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन मैं पाकिस्तान इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तो अगर इसी को मैंने फिर से उर्दू में कन्वर्ट करना है, मैंने फिर विंडोज़ का बटन दबाना है और साथ स्पेस बार का बटन दबा देना, तो अब जो मैं पाकिस्तान टाइप करूँगा वो रोमन उर्दू में होगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप लोगों की इन पेज में टाइपिंग बहुत ज़्यादा है तो बजाय कि आप इन पेज में जाके टाइप करें, आप रोमन उर्दू में टाइप करें और उसे कन्वर्ट करें आप नॉर्मल उर्दू में, और अपनी स्पीड भी तेज़ करें, अपना वक्त भी बचाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और उसका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।